गंजू ये मेरा पांचवा बच्चा है ना, पांचवा बेबी है। जोहान का छोटा भाई चाहिए था, छोटा भाई आ गया जोहान का छोटा भाई आ गया। ये रोत लो गंदा बच्चा, ये गंदा बच्चा रोता बहुत है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, खैरियत से। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। भोपाल में काफ़ी ज़्यादा तेज़ सर्दी पड़ रही है, और आपके इधर के क्या हाल हैं ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे आज मैं जो है ना संडे का व्लॉग शेयर कर रही हूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं लेकिन ठीक है, कोई नहीं। और यहाँ पे जो है ना हस्बैंड ने मुझे चिकन वॉश करके दिया था, ये उनकी बहुत बड़ी हेल्प थी मेरे लिए, ठीक है। तो उसको मैं जो है ना उनकी फरमाइश थी कि चिकन को कैसा बनाया जाए, ना कोरमा हो, ना बटर चिकन हो, ना ही कुछ भुना हो, कुछ मसाले वाला हो, कुछ दो प्याज़ा स्टाइल में हो, पता नहीं क्या ही फरमाइश थी। तो खैर मैंने कोशिश की है बनाने की, तो मैं आज जो उसको थोड़े डिफरेंट स्टाइल में बनाने की कोशिश कर रही थी कि आई होप उनको अच्छा लग जाए, पसंद आ जाए। तो यहाँ पर मैं वही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने ऑयल डाला है थोड़ा सा, और फिर उसके बाद चिकन को फ्राई कर रही हूँ अच्छे से, ताकि ये थोड़ा अच्छा गोल्डन सा फ्राई जो हो जाता है ना, फिर उसके बाद इसको बनाएंगे तो उसका टेस्ट और अच्छा आता है। तो मैरिनेट करके हमने इसको रख दिया था, क्योंकि मुझे एक जो गुब्बारे टीवी आपको मालूम होगा उसको मुझे वीडियो भी शूट करना था, तो उसका वीडियो शूट किया मैंने इसको जो है ना मैरिनेट करके। तो सिंपल सा मैरिनेशन किया था मैंने इसका नमक और नींबू के साथ। तकरीबन एक डेढ़ घंटा ही रखा रहा होगा, क्योंकि मुझे इतना टाइम लग गया था। ओनली 30 सेकेंड की जो वीडियो है ना वो बनाने में मुझे इतना टाइम लग गया है। बहुत ज़्यादा रीटेक ले लिए थे हम लोगों ने, बिकॉज़ थोड़ा सा डांस स्टेप थे, तो मैं शेयर करूँगी आपके साथ, देखिएगा। तो जो गुब्बारे टीवी में अक्की जाबाज आता है ना, तो बस उसके जो है ना डांसिंग स्टेप जो थे ना मूव्स, वो हमें करने थे। तो उसका साथ हमने जो है पेट पार्टनरशिप की थी, तो उनका ही वीडियो हमने जो है ना बनाया था। और इंस्टाग्राम पे, अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है ना इंस्टाग्राम का लिंक है, तो आप वहाँ से मुझे फॉलो कीजिए। शहला जाहिद खान करके आईडी है मेरी, तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कीजिए। वहाँ पे मेरी डेली रूटीन और जो भी मतलब मेरी लाइफ का होता है ना सारा कुछ मैं वहाँ शेयर करती हूँ, तो वहाँ भी आप मुझसे कनेक्टेड रहिए। और वीडियो अच्छा लगता है और इंस्टाग्राम पर मेरे पोस्ट वगैरह अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक कीजिए। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, साथ में जो है ज़ायरा वॉइस ओवर कह रही थी कि पीछे से वॉइस जो है ना वो करेंगी, तो उनको सुन लेते हैं। अभी हमने कर लिया है, अभी हम फिर ऑनियन काट रहे हैं। और हम यहाँ पे काट रहे हैं अच्छे से ऑनियन, देख सकते हो मम्मा पता है कितनी ऑनियन काटी होगी। तो अभी हमने इसको मिक्स करना है, ओके हमने अभी हम रख देंगे इसको एक उसमें प्लेट जो मैंने आपको बताई है, जो गैस पर रखने दिया, ओके। तो देख सकते हो इसमें चिकन रेसिपी भी है, और इनका कलर देखिए, तो कलर चमक व्हाइट हो चुका है, व्हाइट।
तो यहाँ पे जो है ना हमने चिकन फ्राई कर लिया है। अब हम जो है इसमें थोड़ा सा ऑयल मैंने और बढ़ाया है, इसमें तेज़पत्ता और खड़े गरम मसाले में मैंने सिर्फ काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी यही सब चीज़ें डाली हुई हैं। और उसको भी मैंने फ्राई करने के बाद में जब अच्छे से फ्राई हो गया था तो मैंने उसको जब प्याज में पीसने लगी थी तो मैंने उसमें डाल दिया था, क्योंकि हस्बैंड के मुँह में आता है ना तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब खाने का टेस्ट ख़राब हो जाता है, फिर उसके बाद उनका मूड नहीं होता खाने का इसलिए। तो फिर यहाँ पर मैंने जो है ना प्याज डाली है इसके अंदर थोड़ी सी, और इतनी छींटे उड़ गए थे ना चिकन फ्राई करने में कि पूरा यहाँ से वहाँ तक सब तेल तेल ऑयली ऑयल हो रहा था। तो ये प्याज जो है मैंने काटी हुई थी जो वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी, साथ ही मैंने कुछ टमाटर जो थे वो मैंने माइक्रोवेव में थोड़ी देर के लिए रख दिए थे उनको, तो वो अच्छे सॉफ्ट से हो गए थे, तो वो भी इसके अंदर पीस के डाल दूँगी। तो सिंपल सी थोड़ी बहुत जो है ना मतलब जैसा वो चाह रहे थे वैसा कुछ फ्लेवर तो आ गया था, बट जो है ना आदमी लोगों को खुश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। तो फिर भी मैंने एक नाकाम से कोशिश की थी, ठीक है, तो उनको अच्छा तो लगा, बाकी बच्चों को सबको बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन लगा था। तो यहाँ पे मैंने मिर्ची डाल दी, और मिर्ची मैंने अच्छी कोशिश की थी, बहुत चटपटा बनाऊँगी बट बहुत ज़्यादा स्पाइसी फिर भी नहीं बन पाया, पता नहीं मिर्ची को कुछ हो गया है हमारी शायद इसलिए ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने खड़ा धनिया नहीं है, पिसा हुआ धनिया डाला है, थोड़ी सी हल्दी डाली है और नमक डाल दिया, नमक मैरिनेशन में भी है इसलिए कम डालूँगी, क्योंकि मैं भी कम खाती हूँ ये भी कम खाते हैं और इसलिए, तो बच्चे और अम्मी तो ऐसा है कि ज़्यादा खाते हैं तो वो एक्स्ट्रा ऊपर से डाल लेंगे तो कोई इशू नहीं है उनका। तो बस यहाँ पे मैं अभी भूनूंगी, क्योंकि अभी ऑयल डालूंगी फिर वापस से ऑयल जो है ना उड़ना शुरू हो जाएगा, थोड़ी देर में अपने आप ही ऑयल आ जाएगा। यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी और जो चिकन मसाला होता है वो मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया था, ठीक है। तो मैं अभी इसको जो है ना थोड़ा थोड़ा सा जो है मतलब फ्राई कर सॉरी भून रही हूँ, ठीक है। अच्छे से भून जाने के बाद में जो हमारा चिकन था फ्राई के वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ठीक है, थोड़ा सा फिर उसको भूनूंगी ताकि ये गल जाए, थोड़ा तो फ्राई होने में गल गया था, बाकी अब जो है मसाला जो हम भुनेंगे ना तो उसमें ये गल जाएगा। तो तब तक ये गल रहा है तब तक मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ आपसे, जो कि आप लोग सुनना चाह रहे हैं जानना चाह रहे हैं। इंस्टाग्राम पे भी जब मैंने पोस्ट लगाई थी तो तब से मुझे बराबर कमेंट्स आ रहे थे, क्या हुआ, कब हुआ, अपी कब हो गया, ये कब हो गया। तो भाई सुन लो सब लोग, बता देती हूँ, दिल की धड़कनें बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है बताओ ज़रा। तो भाई ये है सुलेमान ख़त्ताब, ठीक है, मेरा फिफ्थ बेबी, यस। तो इसलिए मैं यूट्यूब से गायब थी इतने दिन से, जैसे मैंने जोहान के टाइम पे बिल्कुल गायब हो गई थी अंडरग्राउंड, किसी को ना दिखाई देती थी ना किसी से मिलती थी ना किसी से बात करती थी, बिल्कुल गायब हो गई थी। उसी तरह से इसके टाइम पे सुलेमान ख़त्ताब के टाइम पे भी मैं गायब हो गई थी, यूट्यूब से भी मैं इसलिए गायब हो गई थी, तो मैं ना किसी को नज़र नहीं आ रही थी, वीडियो नहीं बना रही थी, और इसीलिए नहीं बना रही थी कि मतलब मैं सामने रहूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा, तो इसलिए मैं शेयर नहीं कर रही थी ये सब कुछ, और ये जो है ना बिल्कुल गलत है बिल्कुल गलत है। तो ये जो है ना मेरा बेटा ही है, बट मेरे भाई का बेटा है, जो मेरे छोटे भाई हैं, तो बड़े भाई के दो बच्चे हैं आप लोग जानते हैं, लेकिन छोटे वाले की शादी कब हुई कैसे हुई तो ये सस्पेंस स्टिल मैं बरकरार रखूँगी, उसको मैं अलग शेयर करूँगी, तो फिर मैं बताऊँगी। काफ़ी लंबी चौड़ी कहानी है उनकी शादी कैसे हुई, क्या हुई, कब हुई, और हम लोग नहीं गए हैं तो क्यों नहीं गए हैं, हम लोग शादी में शामिल नहीं हुए हैं, बहुत सारे रीज़न हैं क्या हुआ है, सब कुछ मैं शेयर करूँगी, ठीक है, तो वो मैं बताऊँगी बाद में। तो अभी तो मैंने आपको सस्पेंस जो है ना ये ख़त्म कर दिया कि ये मेरे भाई का बेटा है, छोटे वाले भाई का बेटा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ना मैं बनाने लगी हूँ कुलचे स्टाइल में, ठीक है। तो तंदूरी रोटी तो जल्दी नहीं बन पाती है, उसमें टाइम चाहिए होता है खमीर के लिए, फर्मेंट होता है ना आटा, फिर उसके बाद बनते हैं अच्छे। तो यहाँ पर बस मैं ऐसी थोड़ी सी जो है ना कुलचे स्टाइल में बना रही थी, मैंने ऑयल डाला था और यहाँ पे मैंने खाने का सोडा होता है वो डाल दिया था, नमक डाल दिया था, और उसको गून लिया था थोड़े गर्म पानी से, और फिर उसको रख दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए, तो उस देर में जो है ना ये अच्छा हो जाएगा काफ़ी इसलिए। और यहाँ एंजेला बराबर लुक 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 करती रहती है मेरे साथ में कि मामा मैं हेल्प कराती हूँ, मैं हेल्प कराती हूँ, बट मैंने कहा नहीं मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही कर लूँगी। तो चलो जल्दी से मैं ये जो है ना आटा लगा देती हूँ, गून लेती हूँ, मतलब जो भी कहते हो आप लोग। तो
आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा मुझे, ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप मुझे बताइएगा, तो क्वेश्चंस के जवाब नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मैं आपको दूंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा आटा भी हमने कर दिया है और मज़ेदार सा हमारा चिकन भी जो है ना अच्छा कलर आ गया है, गल गया है। अब यहाँ पे हमने जो काजू भिगो के रखे हुए थे तकरीबन 100-150 ग्राम के करीब होंगे, तो मुझे जो है ना खशखश डालने के बजाय काजू डालना ज़्यादा बेस्ट लगता है, इसमें कोई हीक बदबू स्मेल नहीं आती और बहुत अच्छा क्रीमी स्ट्रक्चर आता है, खूब रिच ग्रेवी बनती है, बहुत मज़े की। तो मेरे मुँह में स्टिल पानी आ रहा है, देख देख के मुझे भूख लग रही है, तो आज मैं जो है ना जल्दी वॉइस ओवर कर रही हूँ, नहीं तो रात पहले रात को करती थी बिल्कुल रात में, तो मुझे नींद आने लगती है आजकल इसलिए। तो यहाँ पे मैंने जो क्रीम है हमारे घर की वो और काजू का पेस्ट वो डाल दिया है, साथ ही गरम मसाला और जो है गरम मसाला हमने अच्छा जो हमारे घर का होता है मेरा वो हमने डाल दिया है, ठीक है। बस इसको खूब अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि हमें ऑर्डर हुआ है हमें कि हमें ज़्यादा जो है ना पतली ग्रेवी नहीं चाहिए, थिक होना चाहिए ग्रेवी, कुछ दो प्याज़ा और भुना और पता नहीं कौन कौन से स्टाइल में होना चाहिए, तो वो स्टाइल में बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखें आप कितना ही खूबसूरत लग रहा है इसकी ग्रेवी, देखें आप कितनी चल रही है। और साथ ही मैंने इसमें डाली है इलायची, जिससे कि ये बहुत अच्छा मतलब एक तो खुशबू भी देगा और इसमें केवड़ा नहीं डाला है मैंने, केवड़ा वगैरह नहीं डाला है, और उससे ज़्यादा अच्छा ये इलायची से लगेगा। तो आप ट्राई कीजिएगा कभी इस तरह से रेसिपी, बहुत मज़े की बनेगी। और साथ ही इसको थोड़ा सा और अच्छा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें स्मोक का थोड़ा सा देंगे, ताकि उससे ये और अच्छा लगेगा, इसमें जो ना स्मोक की जो एरोमा होती है ना खुशबू वो बहुत अच्छी लगती है। तो बस वो थोड़ा सा स्मोक कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है, और यही वजह रहती है कि उनको जो है ना बस धुएँ वाली जो चीज़ें होती हैं वो नहीं पसंद। तो बस मैंने थोड़ी सी देर के लिए ही किया था, बस जैसे ही हुआ वो वैसे ही मैंने फ़ौरन निकाल दिया सारा खोल के, तो कि ताकि ज़्यादा नहीं हो जाए इसमें स्मेल। और साथ ही फिर हरा धनिया और हरी मिर्च जो है वो हम डाल देंगे, गार्निशिंग भी हो जाएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, तो ज़रूर डालें। और ये हमारा जो है ना बनके चिकन रेडी हो चुका है, आई होप आप लोग भी ट्राई करने वाले हो इस रेसिपी को, ज़रूर बताना। किचन यहाँ पे इतना गंदा हो गया, कंटिन्यू में साफ़ कर रही थी लेकिन ये तेल के छिटे होते हैं ना ये मुझे बहुत इरिटेट करते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट। आप बताइएगा आपके साथ क्या मसला है, मेरे साथ तो बहुत है कि मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। मीठे में ये है बढ़िया सी जलेबी जो कि तुम छूट कर दिए, तोड़ फोड़ कर दिए, पता है मुश्किल से की वाली सही से मतलब वाओ वाओ, ये वाली देखो, ये वाली देखो वो भाई, ये तो बहुत मज़े की लगती है, बिल्कुल गुलाब जामुन जैसी, जो कि मेरी बहुत फेवरेट है, ये भी मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे देख के ना मुंह में पानी आ रहा है, आप बताएं आपका क्या हाल है। तो यहाँ पे जो है ना बच्चों को मैं खाना देने लगी हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ वीडियो बनाने के चक्कर में, तो सब कुछ लेट हो गया, इतनी जल्दी जल्दी मैंने किया है उसके बाद भी मैं लेट हो गई थी, खैर कोई ना। तो बस मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ और बच्चों को दे रही हूँ, तो इसके साथ में ये रोटी जब हम खाते हैं ना बिल्कुल हमें ऐसा लगता है हम बाहर खाना खा रहे हैं, बहुत मज़ाक लगता है। सादी रोटी आप खाओगे आटी की, हालांकि इतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं होती ये रोटी, बट ये एक टेस्टी बहुत लगती है, और टेस्टी चीज़ें हेल्दी नहीं होती है ये बात तो मतलब क्या कहें, पॉइंटेड है, मतलब पॉइंट है इसमें। आगे आपको अपने बेटे से मिलाती हूँ, उसका दीदार कराती हूँ, तो आप देख लें और दुआएँ दे दें, ठीक है, और प्यारा सा आप कमेंट कर दें उसके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लें, सपोर्ट करें, ठीक है। और बाकी और वीडियो जो रह गए हैं आपने वॉच नहीं किए हैं इतने दिनों, क्योंकि होता है ना वीडियो नहीं देखते हैं तो आगे हमारी वीडियो शो नहीं होती है, तो इसलिए जो है वो वीडियो भी आप लोग देख लें जाके, सपोर्ट करें, इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो जब तक देखेंगे नहीं तो मतलब क्या रहेगा फिर, ठीक है। तो अपना जो भी लोग हैं सपोर्ट करने वाले हैं वो सब लोग सपोर्ट करें, शेयर करें वीडियो को, और बताएं कि आप वीडियो में क्या देखना चाहते हैं, क्या शेयर करूं मैं आपके साथ में, ठीक है, तो वो सजेशन दीजिए आप मुझे, बहुत तेज़ भूख लग गई है मुझे तो खुद ही तो यहाँ पे जो है ना हमारी मस्त सी रोटी बनके रेडी हो गई है, अब
बच्चों को मैं खाना दूंगी, सब खाना खाएंगे हम लोग, और उसके बाद में फिर जो है ना सारी चीज़ें मैं उठा के समेट के रख दूंगी। बस यही रोज़ का रूटीन होता है, यही आज का रूटीन है। रो रहा है। चुप करा के दे दो, मुझे मेरा बच्चा चुप कराना ही नहीं आ रहा है। अच्छा, रोते नहीं है, नानी के पास जाके खुश हो जा। क्या नाम है तुम्हारा? खताब और सुलेमान। गंजू, ये मेरा पांचवा बच्चा है ना, पांचवा बेबी है। जोहान का छोटा भाई चाहिए था, छोटा भाई आ गया। जोहान का छोटा भाई आ गया। ये रोत लू गंदा बच्चा, ये गंदा बच्चा रोता बहुत है। चलो बाय बाय टाटा, भग जा। मैं यहाँ पे कंगा कर रही थी तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत 3-4 दिन से मैंने फॉर्म नहीं किया। आप लोग बताना, आप लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या? बस दिन भर बाल खोले और कर लिए, ऑयल भी डाला है मैंने अपने सर में, कमी डालती हूँ वैसे तो मैं, कंडीशनर कर लेती हूँ उस वजह से, तो डेंटर भी बहुत हो रहा है, इचिंग भी हो रही है। मैं जो अपनी रेमेडी यूज़ करती हूँ वो भी नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज के सर्दी हो रही है इतनी तेज़, इतनी देर बालों को गीला नहीं रख सकते, अदरवाइज सर्दी हो जाएगी। तो वो रेमेडी यूज़ करेंगे जैसे ही थोड़ी सर्दी कम हो जाए। और मैं इतनी फ्रेश इसलिए लग रही हूँ, थोड़ा सा मैंने फिल्टर यूज़ किया है क्योंकि वैसे मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा, और ऑयल डालने के बाद तो मैं बहुत चिपचिपी, मतलब चिपकू सी लग रही हूँ। तो आपके सामने हूँ तो थोड़ा सा फ्रेश दिखना ज़रूरी है ना, अच्छा नहीं लगता कैसे भी खुली उठ के आ जाओ। तो आज की वीडियो को लेके आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, डेफिनेटली मुझे लग रहा है बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो जिसके जो भी क्वेश्चन ना आप लोग पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उनका जो है ना मैं आंसर करूँगी। और कैसे हुई भाई की शादी, और कब हुई, और बताया क्यों नहीं, क्या हुआ, ये सब कुछ जो है ना मैं आपको, बहुत लंबी चौड़ी दास्तान है, स्टोरी है काफ़ी लंबी चौड़ी, तो वो सब जो है ना इंशाल्लाह किसी दिन शेयर करूँगी आपके साथ में। तो जो है वो मैंने आपको सारा कुछ वीडियो के दौरान मैंने बता दिया है। आई होप आपने आज का वीडियो भी पूरा देखा होगा, स्किप नहीं किया होगा, स्किप मत किया करो। और यहाँ पीछे जो है ना मेरे जो PR पैकेज हैं वो आए हुए हैं, उस पर वीडियो बनानी है मुझे, तो वो भी मैं जल्दी शेयर करूँगी आपके साथ में। बच्चों उससे रिलेटेड चीज़ें आई हैं, नूडल्स वगैरह होते हैं ना, वो सारा कुछ आया हुआ है। तो चलो यहाँ पर वीडियो करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।